गाइज़ आपको अभी अपने फ़ोन में जो फेसबुक ऐप चलाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना प्ले स्टोर ओपन कर लेना है। जैसे प्ले स्टोर ओपन करना है आपको ये सर्च बार पे क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ पे आपको टाइप करना है फेसबुक, फेसबुक टाइप करके आपको सर्च कर लेना दोस्तों। तो ये वाली जो एप्लीकेशन है इसको आपको अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लेना दोस्तों, मैंने कर रखी है, आप इसको इंस्टॉल कर लेना है। तो इंस्टॉल करने के बाद में आपको दोस्तों यहाँ से कट कर देना है और यहाँ पे दोस्तों देखिए ये जो फेसबुक एप्लीकेशन है ये इंस्टॉल हो चुकी है। तो यहाँ पर हमें क्लिक कर लेना है, तो फेसबुक पर क्लिक किया है दोस्तों। अब आपको क्या करना है, आपको दोस्तों नया अकाउंट बनाना है अपने फेसबुक का। तो यहाँ पर आपको क्रिएट न्यू अकाउंट पर क्लिक करना होगा, ये यहाँ से आपको फिर से गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देना है। अब आपको क्या करना है, यहाँ से आपको अपना वो नाम लिखना है कि जिस नाम से आप अपनी फेसबुक की जो आईडी है वो बनाना चाहते हैं। तो वो जो भी नाम आप लिखना चाहते हैं वो यहाँ पे लिख के फर्स्ट नाम, यहाँ पे दोस्तों लास्ट नाम लिख के यहाँ पे आप लास्ट नाम लिख लीजिए। उसके बाद में आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। तो यहाँ से नेक्स्ट करने के बाद में अब आपको यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेनी है, जो भी आपके अपनी डेट ऑफ बर्थ हो वो यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद में दोस्तों यहाँ से सेट कर देना है, सेट करने के बाद में फिर से यहाँ से नेक्स्ट कर देना है। तो यहाँ से नेक्स्ट करने के बाद में अब यहाँ से दोस्तों आपको अपना जो जेंडर है वो सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आप मेल फीमेल जो भी हो वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। तो मेल हो तो मेल वाला सेलेक्ट करके आपको यहाँ से फिर से नेक्स्ट कर देना है। तो यहाँ से दोस्तों अब आपको क्या करना है, अपने मोबाइल नंबर से अगर आप अपनी फेसबुक की आईडी बनाना चाहते हैं तो यहाँ से आपको मोबाइल नंबर डाल देना है, और अगर आप मोबाइल नंबर से ना बना के अपनी जो ईमेल आईडी से अपना जो फेसबुक अकाउंट बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में आपकी जो ईमेल आईडी होगी दोस्तों वो यहाँ पे आपको फिल कर देनी है, जो भी आप ईमेल आईडी यूज़ कर रहे हो वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। तो दोस्तों जैसे ही मैंने ये आप देखिए ईमेल आईडी फिल की, उसके बाद में आपको फिर से यहाँ से नेक्स्ट कर देना है दोस्तों। तो नेक्स्ट करने के बाद में दोस्तों अब आपको क्या करना है, यहाँ पे अपनी जो फेसबुक आईडी है उसका कुछ पासवर्ड क्रिएट करना है, वो भी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आपको यहाँ पे क्रिएट कर लेना है। जो भी आप पासवर्ड अपना लिखना चाहते हैं वो यहाँ पे लिख सकते हैं दोस्तों। फिर दोस्तों आपको फिर से यहाँ से नेक्स्ट कर लेना है, ये यहाँ से नेक्स्ट कर लेना है। तो नेक्स्ट करने के बाद में दोस्तों आपको यहाँ पे कट कर देना है और यहाँ से सीधे नॉट नाउ पे क्लिक कर देना है दोस्तों, एंड यहाँ से आई एग्री इस पे आपको फिर से क्लिक कर देना है दोस्तों। अब आपका जो आईडी है वो प्रोसेस में है दोस्तों। अब यहाँ से आपको क्या करना है, नो न्यू क्रिएट अकाउंट, आपको नया अकाउंट बना रहे तो नो पे क्लिक कर देना, ताकि आपके पुराने जो फ्रेंड जो भी हो वो यहाँ पे सजेशंस में ना आए दोस्तों। तो आपकी जो आईडी है वो प्रोसेस में चल रही है दोस्तों, आपका अकाउंट है वो क्रिएट हो रहा है। सो गाइस फाइनली आपकी जो आईडी है वो क्रिएट हो गई है फेसबुक पे। अब आप यहां से आप अपनी आईडी चला सकते हैं दोस्तों, आप अपने फ्रेंड बना सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं दोस्तों। और यहां से आप अपनी प्रोफाइल पे फ़ोटो लगाना चाहते हैं तो ये थ्री डॉट पे क्लिक करके, तो थ्री डॉट पे क्लिक करने बाद में आपको यहाँ पे देखिए आपका जो नाम आ रहा है उस पर क्लिक कर लेना है, और यहाँ से आपको अपनी प्रोफाइल फ़ोटो या जो भी कुछ और एडिट करना चाहते हैं वो अपनी प्रोफाइल का वो एडिट कर सकते हैं। यहाँ से फ़ोटो लगा सकते हैं दोस्तों, यहाँ से ये आप फ़ोटो लगा सकते हैं, जो भी आप अपना एडिट करना चाहते हैं अपनी प्रोफाइल का वो यहाँ पर क्लिक करके, बायो में लिंक है जो भी अपना जो मतलब जो भी आप एडिट करना चाहते हैं, डेट ऑफ बर्थ नाम जो भी, वो यहाँ से कर सकते हैं दोस्तों। तो ये आपकी आईडी जो बन के रेडी हो गई है दोस्तों। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और वीडियो पूरी समझ आई होगी दोस्तों। अगर वीडियो समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों, अपने फ्रेंड लोगों के साथ शेयर भी करें दोस्तों, और अपने भाई का चैनल सब्सक्राइब भी करें दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखें।